Thank you.
विनती करना चाहता हूं कि आप अपने ऐसे एमपी को चुनिए, डॉक्टर साहब को चुनिए जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए, एक हार्ड वर्किंग इंसान है, पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरी सच्चाई से काम करते हैं, आपकी डेवलपमेंट के लिए काम किए, उन्हीं को चुनिए, उन्हीं को भारी वोट देकर बड़ी संख्या से उनको विजय कराइए। बिकॉज एक ऐसे इंसान जिन्होंने दिल से आप लोगों की उन्नति के लिए काम किया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको एक और बार विजय बनाएं और इस स्टेट की आगे तरक्की कराएं। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम शुरू होने जा रहा है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है जम्मू में, क्रिकेटिंग स्टेडियम, और मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मैं अगले 5 साल में जब फिर से बीजेपी की सरकार आए, तो जो आईपीएल के मैचेस हैं, जो बाकी सारे स्टेट्स में होते हैं, आईपीएल के मैच भी जम्मू में हो। जैसे बाकी स्टेट्स में लोग आईपीएल का लाइव मैचेस देखते हैं, आपको भी वो मौका मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने ये काम शुरू कर दिया है एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। प्लस हम सब जानते हैं कि माँ देविका का कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस स्टेट में। डॉक्टर साहब ने उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसकी सफाई के लिए नमामि गंगे से 180 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं। जितना काम डॉक्टर साहब ने किया, डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि किसी और एमपी ने कभी भी स्टेट में इतना काम किया होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। एक सच्चे इंसान, एक सच्ची सरकार, तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारी मेरी आपसे विनती है कि एक सच्ची सरकार, एक सच्चे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से विजय कराइए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विजय कराइए, और एक ऐसे एमपी को चुनिए जो आपकी आगे उन्नति कर सके, आपके भविष्य की देखभाल कर सके। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा है, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे, तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। ऐसी मदद करनी है तो हमने उनके लिए बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले, बच्चों को दूध मिले, और देहात में औरतों को देसी मुर्गियां देनी है। मुर्गियां और बकरियां, ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे इंशाल्लाह बड़ा देहात में फर्क पड़ेगा। प्लानिंग बकरी, मुर्गियों के बाद बकरियों की एंट्री, देही खवातीन के मसाइल हल करने का प्लान, आवाम के दिलचस्प तस्तरे।